क्या तकलीफ हो रही है बोलिए मेरे मार दे मोर दे दे बहुत मेरे जबरदस्त सिरा क्या है मेरे बच्चे पांच है मेरी बेटी की अब शादी में एक महीने जाना चाहती मैं शादी भी हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी मैं जाना चाहती मेरी बेटी शादी है एक महीने से मैं आई यहाँ पर क्या तकलीफ क्या थी आपको आपके वालदा वाली से बात करने नहीं देते थे बात करने तो नहीं देते थे कोई कभी कर ले कभी नहीं करे नहीं करने देते थे बात क्यों दर्द होती है कमजोरी से बात नाम हाजरा बेगम है मेरी बेटी का नाम मोहम्मदी बेगम पाकिस्तान से मेरी बच्ची कल ही आई शाम में और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सुषमा सराज का मैडम का जो मेरी बच्ची सही सलामत हमसे मिला सबका शुक्रिया अदा करती हूँ बस मेरा दामाद बहुत तेज़ है बहुत मारता मेरी बच्ची ये हालत कर दी आखिर हड्डे चमड़ा होगी हसली में दर्द सर पे मारा मार के सर में सो समझ में नहीं आता बात करें तो बात बस मेरी बच्ची बच्चों के लिए तड़प रही बच्चों से मिलना चाह रही बच्चों का आना जाना रखो बोली बस और उसकी बेटी की शादी है ये वो बोल रहे हैं वो जाना है मेरे को बस आप जो भी करते हैं आप समझ के आप भी माँ हैं मैं झूठ माँ हूँ आप सच माँ हो गए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हैं बहुत खुशी हुई मेरे को मेरी बच्ची आके मेरी कल हमारे घर में बहुत जश्न का जैसा था बहुत खुशी हुई मेरी बच्ची अब 21 साल शादी हो गए बच्ची के 21 साल में मेरी बच्ची आई जो लोग शादियां कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है नहीं देना कोई नहीं देना अरे अपनी बच्ची को अपन मेहनत करते यहाँ पाल लो मगर दो लोग को बाहर कोई ना को दो कोई शेख को नहीं कोई कोसे अरबी मुल्क को कहीं नहीं देना बच्चियों को आप बहुत तकलीफा उठाना पड़ता वहाँ जाके खाना नहीं देते बंद कमरे में खुफल में रखते बहुत तकलीफा देते वो लोग अच्छे बोलते यहाँ वहाँ जाके बहुत तकलीफ देते सब ये बच्ची से मालूम हुआ मेरे को मान में भी थी ये बच्ची 12 साल 16 साल मान में थी अब 10 साल से पाकिस्तान में थी मेरी बच्ची बंद करके रखा हुआ है किसी से मिलना नहीं जाना नहीं ससुर से नहीं मिलना जेठन जेठानियाँ देवरानियाँ सब है मगर किसी से नहीं मिलने देता बहुत जाहिल है बहुत गुस्से का थे नीचे और एक शादी करी और एक शादी करे थे छोड़ दिए कहते छोड़े कितनी शादियां करा उन्हें टोटल चार शादियां करा कर टोटल 4 मैरिजेस करावा है उन्हें रखने का तरीका नहीं है उसको पहले करे तो बच्चे नहीं मिल के छोड़े फिर करे उसको इनसे पहली शादी है नहीं इनकी तीसरी है इनको बच्चे हुए आप लगा ये सब दरियाफ्त नहीं करेगा कौन बोलता बाहर का मामला कौन सुनाता हमारे हम गरीबी हालत थी हमारी मतलब गुंजाइश नहीं पैसा नहीं शादी करने बच्चियाँ थे मेरे को तो अच्छे रहेंगे ना खा के पीछे बोले दे दिए पैसा वैसा कुछ नहीं लिए सिर्फ 5,000 महर के बाना ले लेके बैठे कुछ नहीं दिए हम कुछ नहीं लेना चाहिए 1 रुपया नहीं जानते हो महीने को ना साल को ना कभी बस बच्ची को अच्छा रखो वो तो उसको भी तकलीफ होते भेजो बोले तो टिकट क्या से कितना सता है भेजो वो तो बहुत सता है पहला वीजा निकाले वो चले जाते हैं महीने का फिर बोलते मामा बड़े जैसा बोलते अच्छी बात करने लगे कल फोन करके भी गालियां दिया बोले ना फोन करे अब तुम्हारा हमारा रिश्ता कुछ नहीं है सास नहीं ससुर नहीं बच्ची को आपसे बातचीत नहीं है सर नहीं 4 महीने से बातचीत नहीं है जब आप बात भी नहीं करता है फिर आप लोग घर में एक ही घर में थे ना आप लोग बड़ा घर है हाँ तो फिर उन्हें कहाँ रहता आप कहाँ रहते काम करते ना गैरेज में रखा था गाड़ी उनका काम करता अच्छा आप पाकिस्तान में रख के उन्हें ओमान गया था उन्हें ओमान गए थे ना फिर आगे साल हो गया ओमान से वापस आते अच्छा इनको पाकिस्तान में डंप करके उन्हें निकल के ओमान चले गया उन्हें ओमान चले गया ओमान में एक शादी कर लिया फिर पाकिस्तान नेशनल है।